हाय, वेलकम टू ट्रेड करिए। आज हम बात करेंगे CTK के बारे में। इसका प्राइस करेंटली 0.8 डॉलर्स के अराउंड चल रहा है। कॉइन मार्केट कैप पे इसका रैंक 281 है। ये आपको बाइनेंस में मिल जाएगा। आइए इसका चार्ट देख लेते हैं। देखिए, मैंने पहले से ही यहाँ पे मार्क किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ डिसेंडिंग ट्रायंगल में मूव कर रहा है इसका प्राइस। यहाँ पे लगा तो नीचे की तरफ आया, यहाँ पे लगा फिर यहाँ पे लगा। आप देख सकते हैं तीन बार इसने इसके प्राइस को रिजेक्ट किया है इस ट्रेंड लाइन ने। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल जो है सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे इसका लग के हमेशा प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। मैंने यहाँ पे एरो भी बना दिया है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे लग के ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस पे लग के नीचे आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी टाइट रेंज में अब कंसोलिडेट कर रहा है और या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है। यहाँ पे नीचे मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क किया हुआ है। अगर इसके नीचे इसका प्राइस चला जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बियरिश होगा और इसका प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे तो हमें यहाँ एंट्री नहीं लेना है, पर अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ एंट्री मिले हमें तो ज़रूर लेना है, ऊपर की तरफ एंट्री करना है, क्योंकि हमें इससे अच्छा खासा गेन हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर देता हूँ जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और भी दिख पा रहा हूँ, चलिए वो मार्क करते हैं। यहाँ पे दिख पा रहे होगे आप, सपोर्ट है यहाँ पे, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे उसी लेवल से बार बार इसका प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं ये जोन मार्क करता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं रेड। आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद जैसे ही इसने ब्रेकडाउन किया उसके बाद ये लगातार इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो एंट्री हमें कब प्लान करना चाहिए इसका? अगर इसके ऊपर जाके ये डबल ब्रेकआउट होगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और ये हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस इसका भी ब्रेकआउट होगा, तो ये डबल ब्रेकआउट होगा और यहाँ सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाए तो हमें एंट्री ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ आपका टारगेट मार्क कर देता हूँ। ये रहेगा आपका पहला टारगेट, यहाँ पे आप लेके चल सकते हो इस एरिया का पहला टारगेट, लेके चल सकते हो यहाँ तक का टारगेट वन। ये होगा टारगेट टू और ये होगा आपका टारगेट थ्री। यहाँ पे मैं तीनों ही टारगेट्स का प्राइस पॉइंट दे देता हूँ। मैंने कल ओशियन शेयर किया था तो उस पर काफ़ी कम व्यूज आया था और जैसे ही उस कॉइन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया उसके बाद उस पर व्यूज आने लगा और लोग सोच रहे थे कि अब मैं एंट्री लूँगा। तो प्राइस अगर पहले ही भाग जाए तो उस पर आप एंट्री नहीं ले सकते हो। आपको नीचे के लेवल्स में हमेशा बाय करना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ, अगर आप ब्रेकआउट के बाद और इसके ऊपर बाय करते हो तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक लगभग 34% का गेन आपको यहाँ से मिल सकता है। काफ़ी अच्छा कॉइन है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तभी लेना है, अगर नीचे की तरफ करे तो बहुत ही ज़्यादा बियरिश हो जाएगा और इसके नीचे अगर कर दे, ये जोन के अगर नीचे कर दे तो काफ़ी ज़्यादा बियरिश होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और कॉइन का एनालिसिस करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूँगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। I'm gonna go to bed.